Assalamualaikum, welcome back to my channel. उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मजे में होंगे और जहाँ पे भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो जी कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं उन्हें पिंपल्स का इशू और स्कार्स का इशू, जल्दी से सामने आओ क्योंकि आज की वीडियो उनके लिए स्पेशल वाली वीडियो है। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पिंपल्स का इशू तो रहता ही है, लेकिन जिन लोगों को पिंपल्स या एक्ने का इशू होता है उन्हें स्कार्स का इशू तो रहता ही है। वो इस वजह से होता है कि जब भी आप लोग पिंपल्स पे या कोई भी दाना निकल आए उस पर कोई ट्यूब या फिर कोई क्रीम अप्लाई कर दी, ठीक है, उसमें इतने हार्श केमिकल होते हैं कि पिंपल तो बेचारा घुस जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन वो इतना बड़ा स्कार पीछे छोड़ जाता है क्योंकि आपकी स्किन इंटरनली डैमेज हो जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट होता है कि आप कोई टोटका अप्लाई करो, ठीक है, अपनी डाइट ठीक करो, और इसके अलावा अगर कोई क्रीम या कोई प्रोडक्ट अप्लाई कर भी रहे हो तो अच्छे से जाँच पड़ताल करके ही अप्लाई करो, ठीक है। तो आज की जो रेमेडी है वो स्पेशल पिंपल्स को भगाने के लिए और वो साथ साथ आपके स्कार्स को भी खत्म करेगी, इसलिए ये बहुत वाली स्पेशल वाली है। इसलिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखना है एंड तक, और वीडियो देखने से पहले जल्दी से कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है जी, अब बनाते हैं रेमेडी। सबसे पहले खाली बाउल ले लो, उसके अंदर जो पहला इंग्रेडिएंट जाएगा वो है जी नीम पाउडर। आराम से पंसार की शॉप से मिल जाता है। हम लोग ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच नीम पाउडर, जो कि बेस्ट चीज़ है एक्नी के लिए और स्किन के लिए। दूसरी चीज़ है जी आटा, गंदम का आटा जो घर में होता है आपने लेना है 1 चम्मच गंदम का आटा। उसके बाद ऐड करेंगे 1/2 से थोड़ा कम हल्दी, ज़्यादा ऐड नहीं करना अदरवाइज स्टेन फेस पे रह जाएगा। उसके बाद बारी आती है गुलाब अर्क, आपने ऐड करना 1 चम्मच गुलाब अर्क यानी रोज वाटर। उसके बाद ऐड करेंगे एप्पल साइडर विनेगर, मतलब मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है ये और ये बेस्ट चीज़ है स्किन के लिए। आपने ऐड करना है 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। अगर देखो कि पेस्ट थोड़ा थिक है तो एप्पल साइडर विनेगर ही ऐड करना है, पानी या कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी है, ठीक है जी। और इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, इसलिए आप लोगों को गौर से सुनना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जिन लोगों की स्किन पे पिंपल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैं, फोरहेड पे भी हैं, जॉ लाइन पे भी हैं, चीक्स पे भी हैं, चिन पे भी हैं, और वो होल फेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी अप्लाई करो अपनी स्किन पे। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको ठंडे पानी से वॉश कर लो, ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कभी कभी पिंपल निकल आता है स्किन पे, ठीक है, मतलब निकला है जाने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि जब जाएगा तो अपना निशान छोड़ के जाएगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस मास्क को सिर्फ पिंपल पे ही अप्लाई करो दिन में 3 से 4 बार, ठीक है। और इसको स्टोर आप 2 दिन के लिए कर सकते हो, 2 दिन से ज़्यादा इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो। इसलिए मैं ये मशवरा दूंगी कि इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाओ, ठीक है, और ये 2 दिन के लिए स्टोर करके रख लो, ठीक है जी। तो ये थी आज की रेमेडी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, अपनी साइंस नहीं मारनी है, जैसे मैं कह रही हूँ उसको वैसे ही बनाना है और इसको वैसे ही अप्लाई करना है, और इंशाल्लाह तुम लोग ये देखोगे कि पिंपल तो भागेगा ही, साथ में सकार को भी लेके भागेगा, मतलब निशान नहीं छोड़ के जाना कोई भी उसमें, ठीक है जी। तो होपफुली आप लोगों को हमेशा की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से कर दो इसको लाइक और जल्दी से कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप लोग मेरी फर्दर वीडियोस को देख सको। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मजे में रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।